एक मित्र ने पूछा है कि गुरु जी आप कहते हैं कि ध्यान करिए, लेकिन यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं मेडिटेशन इज इविल, प्लीज हेल्प। अब देखिए कौन क्या कहता है ये बातें मायने नहीं रखती, मैं भी क्या कहता हूँ ये बात भी मायने नहीं रखती। तुमको अपने अनुभव से, अपने चुनाव से चलना है। आध्यात्मिक व्यक्ति की बस एक ही पहचान है कि वो किसी की भी बात को यूं ही मान नहीं लेता, वो उसको जांचता है, परखता है, प्रयोग करता है, अपने विवेक का उपयोग करता है और फिर निर्णय लेता है। किसी ने क्या कहा उसको हम मानकर क्यों बैठे? अगर मान लीजिए योगी कृष्णमूर्ति कहते हैं मेडिटेशन इविल है, अगर तुमको बात समझ में आ गई तो बात खत्म हो गई, फिर तुमको आगे पूछने की जरूरत ही नहीं। और उन्होंने क्यों कहा इसे तो कोई नहीं बता सकता। किसी के मस्तिष्क में जाकर इस बात को जान लेना कि वो इस बात को क्यों कह रहा है ये तो संभव ही नहीं, हम अनुमान लगाते हैं केवल। इसलिए ही हमेशा बेहतर होता है जीवित व्यक्तियों से संवाद करना। बाकी जितना भी हम किताबों की बात करेंगे, कहीं किसी ने क्या कहा है उसकी बात करेंगे, तो ये अनुमान होंगे। और जो भी कहेगा वो अपनी बात कहेगा, यानी कि अगर मैं इस विषय पर कुछ कहूँगा तो ये मेरी अपनी बात होगी, मेरे अपने जीवन से आई हुई, मेरे अपने अनुभव से आई हुई। मेरे जीवन का जैसा भी ढंग, प्रवाह, व्यवस्था होगी उससे आई हुई बात होगी। लेकिन तुम भी मुझे सुनते हुए मेरे मस्तिष्क के भीतर जाकर ये जान नहीं सकते कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। दुनिया में किसी के भी मस्तिष्क में उतरकर ये जानने का उपाय नहीं। तो इसलिए ये बातें नितांत रूप से व्यर्थ हैं कि कोई क्या कहता है और क्यों कहता है। जो कोई भी किसी की भी बात के बारे में बोलेगा या उसका अर्थ निकालेगा या उसका इंटरप्रिटेशन देगा, ये उस व्यक्ति की अपनी ही बात होगी। इसीलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि जब गुरु जीवित हो तो उसके साथ रहो, उससे संवाद करो। तब तुम उससे पूछ सकते हो कि जो आपने कहा है वो क्यों कहा है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या अभिप्राय है। वो निश्चित समझा सकता है क्योंकि उसके अंदर से ही वो बात आई है, उसके सिस्टम से, उसके बॉडी माइंड, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कंडीशनिंग से वो बात आई है। ध्यान अच्छा है या बुरा इसे तो ध्यान में जाकर ही तय किया जा सकता है। सुबह अच्छी है या बुरी ये तो सुबह को देखकर ही जाना जा सकता है। शाम अच्छी है या बुरी ये तो शाम को देखकर ही जाना जा सकता है। तो किसी भी बात के बारे में निर्णय मत लो, अपनी अंतःप्रज्ञा से, अपनी अंतःप्रेरणा से चलो और देखो तुम्हारे लिए उसके क्या परिणाम होते हैं। तुम्हारे लिए अगर उसके शुभ परिणाम होते हैं तो तुम उसको शुभ मान कर चलो, और तुम्हारे लिए अशुभ परिणाम हो जाएं तो तुम उसको अशुभ मान कर चलो। तुम अपना निर्णय लो। जैसे तमाम औषधियाँ हैं तो जरूरी तो नहीं हर औषधि हर व्यक्ति को काम करे, हर व्यक्ति के लिए कारगर हो, हर किसी को सूट करे, ये तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। कोई औषधि जो किसी व्यक्ति को पूरी तरह स्वास्थ्य दे सकती है वही औषधि किसी व्यक्ति को मार भी सकती है। तो अगर किसी के लिए वो औषधि नुकसान करने वाली हुई, उसने उसे लिया और वो इस बात का वक्तव्य दे कि ये तो बहुत नुकसान करने वाली है, तो उसका अपना अनुभव है। और किसी के लिए वो लाभ देने वाली हो तो वो कहेगा कि ये तो बहुत लाभ देने वाली है, तो ये उसका अपना अनुभव है। कैसे तय करोगे तुम तो अपने ही अनुभव से, अपने प्रयोगों से तय करोगे। अब जैसे देखो एलर्जीज होती हैं तमाम चीज़ों से, लेकिन जिन चीज़ों से एलर्जी होती है वही चीज़ें तो कितनी फ़ायदे की भी होती हैं, वो नुकसानदायक तो नहीं होती। हर चीज़ से एलर्जी हो सकती है, खाने के तमाम चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। जैसे एक वक्त था मुझे मिल्क से, दूध से एलर्जी थी, टमाटर से एलर्जी थी, नींबू से एलर्जी थी, आज नहीं है, आज वो ठीक हो चुकी है। लेकिन जब थी तो मुझे उससे बहुत तकलीफ थी, परेशानी थी।
लेकिन क्या दूध बुरा है, क्या टमाटर बुरा है, क्या नींबू बुरा है, ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। इनके अपने गुण हैं, इनमें तमाम लाभकारी गुण हैं। तो अगर मैं अपने उस अनुभव के आधार पर ये वक्तव्य दे देता कि नहीं, दूध नहीं पीना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, नींबू नहीं खाना चाहिए, तो ये एक भ्रमपूर्ण वक्तव्य हो जाता। इन बातों के बारे में तो फिर भी हम आज इतने विवेकवान हैं कि हम जानते हैं कि इनके व्यक्तिगत परिणाम होते हैं। लेकिन कभी मान लो कोई व्यक्तिगत ढंग से भी व्यवहार करे तो उसे निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए। अब जैसे उस समय जब मुझे दूध से एलर्जी थी, कोई मुझे दूध देता तो मैं कहता मैं दूध नहीं लेता, तो मुझे ऑब्जर्व करने वाले लोग इसका निष्कर्ष निकाल लेते कि गुरुजी दूध नहीं लेते हैं, इसका मतलब दूध जो है ध्यान में बाधा डालता है या साधना के लिए अच्छा नहीं या स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। लेकिन वो मेरे व्यक्तिगत कारण थे, किसी के लिए लाभकारी हो सकता है। तो इसी तरह से चाहे वो खान पान हो, चाहे कोई साधना की पद्धति हो, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई अवधारणा हो, पहले उस पर प्रयोग करो, उससे गुजरो और अपने विवेक से अपने अनुभव से तय करो क्या तुम्हारे लिए शुभ है और क्या तुम्हारे लिए शुभ नहीं।